हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ रफ़ीक अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और हम सब परिवार बिल्कुल सब ठीक हैं। और ये हमारा जयपुर ट्रिप का सेकंड जो है डे है। और इस ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ आमेर का किला, तो उसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हमारे साथ बने रहें और जयपुर का एक्सप्लोर करते हैं और आमेर किला का एक्सप्लोर करते हैं। और कैसे हम जयपुर पहुँचे हैं, कब पहुँचे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो पहले ही ब्लॉग में डल चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज़ पहले वो विजिट कर लें और फिर आपको जो है वो पूरी सीरीज आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे चलते रहते हैं, पहले अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। सबसे पहले कहीं देखते हैं, रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे, तो अभी तक किया नहीं और टाइम हो गया है 10:15। बच्चे सुबह उठना ही नहीं चाहते, थक गए थे कल। अब कहीं देखते हैं, कहीं मिलेगा कुछ, ब्रेकफास्ट कर लेंगे और आमेर फोर्ट जा रहे हैं। आमेर का किला बोलते हैं जिसको, आमेर दुर्ग। किला दिख रहा है, पता नहीं कौन सा किला है, काफी पहाड़ के ऊपर किला है बना हुआ। और ये अभी हमने अंदर अंदर से पता नहीं कैसे कैसे रास्ता अभी बता रहा है आमेर फोर्ट के लिए। जाना था आमेर का किला लेकिन रास्ते में मिल गया जल महल, तो पहले जल महल ही देख लें। पार्किंग पे लगा दिया है गाड़ी, ये स्पेस पूरा जो है पूरा कार पार्किंग है। ऑथराइज तो बता रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता ऑथराइज है, वैसे ही है। और यही रोड जो है आगे जो है वो जा रही है आमेर का किला और नाहरगढ़ फोर्ट। अभी पहले जल महल देख लें। जल महल क्या देखें, इतनी धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, लेकिन तब भी अब निकल चुके हैं होटल से, तो विजिट तो करके ही जाएं सारा। और इधर से और रास्ता बना हुआ है, ये एक विजिटर्स के लिए छोटी मोटी कैंपा कोला, नींबू पानी, नारियल पानी, बस दूर से ही देखना होता है। चलो इधर से ही चलो, इधर से चलो। पहाड़ चारों तरफ पहाड़ है, छोटी छोटी पहाड़ है, बीच में ये लेक और उसके बीचों बीच ये महल, नाम हो गया जल महल। बस ये बाउंड्री है, इसी बाउंड्री से आप जितना निहार सकते हैं जल महल को। ये रहा बेटा, ये रहा जल महल। पानी में इतने सालों से टिकी हुई है ये, हैं उस टाइम पे उतनी केमिकल भी नहीं थी, कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी पानी में टिक जाना इतने दिनों तक, इतने सालों तक। पानी जो है साफ नहीं है मगर देखने में सुंदर लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, मगर यहाँ पे शाम को आके विजिट करें तो ही ज़्यादा बढ़िया है। और ये तो खुला ही रहता है, ये तो ऑलरेडी बंद होने का कोई चांस तो, गेट तो है नहीं, अंदर जाना नहीं है, ये रातों भर खुले ही रहते होंगे बस। और बच्चों के इधर लगे हुए मोटरसाइकिल, कार, जीप। ये अभी ये जल महल से निकल रहे हैं, अब जल महल से जा रहे हैं आमेर का किला, वहाँ देखते हैं आमेर का किला में क्या है। रोड क्रॉस करके ध्यान से बेटा, और अभी टाइम हो रहा है 12:05, तो
वापस से पार्किंग में आ गए हैं, अपनी गाड़ी निकालें और चले आमिर किला। पुराने आइटम जमा करके रखे उन्होंने पुराने, हाँ तो वो रख देखने टिकट है, लेकिन पर पर्सन 100 रुपए का है वो तेरी लिखा हुआ था, रेट भी लिखा हुआ वहाँ पे। अच्छा, अब आपको आगे दिखा रहा हूँ, हमारे आगे जो जैसे फेमस है कल्लू चाचा, हाँ अभी मेरा नाम है उनको प्यार से कल्लू चाचा बोलते हैं, 138 साल जी है। अच्छा, उनके बेटे 11 साल के, उनकी बहन है मुन्नी बहन, हाँ 120 साल की है। अच्छा, दादा करके वेद रहे हैं वो 138 दिन में जी है, उस जमाने से वेद का काम करते हैं, किसी पैरों में दर्द घुटनों में उसके मेडिकल चप्पल बनाते हैं, जूती बनाने के लिए कैमल लगता था जो चमड़ा जो ऊँट वगैरह करते हैं वो उन्हीं के लिए मिलते हैं खाल, जो बकरी खाल होती है गाय की सब उनको मिलती है, तो वो दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, उन्हीं के बने बैठे मिलेंगे आपको देखने को। चलो जी चलो, वो भी दिखाओ। ये गाइड कर लिया हमने, बड़ा रिक्वेस्ट किया कि यार है नहीं तो 50 रुपए इसने माने। अच्छा, 50 रुपए में ये 3-4 जगह दिखा देगा हमें, तो एक तो ये है कि हम उससे ज्यादा तो पेट्रोल फूंक देते यार, क्योंकि रास्ते ये सब बताएगा। कितने साल पुरानी कह रहे हो? ये 300 साल पुरानी थी। 300 साल पुरानी थी। राजा महाराजा के टाइम में चलते आ रहे हैं। अच्छा, आगे बैठे ये हैं जाकर भाई। आगे भाई, ये हमें चैटिंग फोटो लगी ना, इनके गले माला डली। हाँ, हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में सबसे बड़े रहे उम्र में 139। अच्छा, 139 साल की उम्र में एक्सपायर हुए 2008 में, और यहाँ के जो राजा थे राजघराने के वैद्य रह चुके हैं। अभी इनके लड़के नंबर 2005 प्रधानमंत्री चंद्रशेखर राष्ट्रपति गांधी जल से अवार्ड दिया। ये कैमल की स्किन क्या बनाते हैं? अच्छा, घुटने में कमर में एड़ी में दर्द पैर में पसीना वगैरह आता है उसके काम में आता है, शू निकाल के डाल के देखिए, इसी में लेडीज का बनाते हैं। ये पूरा जो है कनक बाग के नाम से है, और इसका एंट्री जो है वो 25 रुपए का है एंट्री, वो बाग बने हुए हैं अंदर। और ये देखिए पूरा घाटी, कि मैं अंदर नहीं जा रहा, बच्चे गाड़ी में छोड़ के आया हूँ, बस मैं ये जो है ना शूट करने के लिए ये फिर अब मैं आ गया हूँ। तो ये इस तरह से जो है, ये देखिए पूरा जो है ये मंदिर है, ये जो बता रहा था ये मंदिर है, और ये एंट्री गेट है, 25 रुपए का टिकट एंट्री का है। ये 25 रुपए का टिकट ले लिया है और अब अंदर चल के देख रहे हैं। पहले सोचा था कि ना जाएं, लेकिन अब सोचे इतनी दूर आए हैं तो अंदर देख ही ले जाके। और ये अब अंदर आ गए हैं जी, आते के साथ ही ये जो है फवारे चल रहे हैं, फवारे चलने शुरू हो गए। वो देखो वो एक मंदिर है नेटवर्क जी का है, और वो है सामने राधे माता जी का मंदिर है। हाँ, पीछे के साइड में या तो मुझे बेटा पूछे देखे अपना बेटा। हाँ हाँ, बोले गाना पूरा यहाँ का ही लिया हुआ। कौन सा वाला बेटा का? एक तो है पूरे ना कल करे माधुरी से। हाँ, गाना कौन तेरी बोली? हाँ हाँ, ये गाना यहीं बनाएगा। अच्छा, इस तरह फेमस है गार्डन, बाकी है कुछ नहीं, धूप है कुछ नहीं, धूप नहीं आता नहीं है। और शादी वादी पार्टी वार्टी के लिए जो बुक होती है ना, फोन कितना देखो यहाँ का, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, बार बार जाओ तो लोग शाम के टाइम से आते हैं कि फ्री हो जाता शाम को। हाँ, तो मंदिर है ना, ये गेट खुल जाएंगे, गेट खुल जाएंगे तो शाम को मंदिर के ऊपर देख लेते हैं लोग। हाँ, अब ये मेंटेन देखो, टिकट ले रहे हो मेंटेन है सफाई है अंदर, अगर आप टिकट लाओगे तो यहाँ फालतू पूरा सादा गार्डन है। अब आए हो तो आप अकेले जाके फोटो बना लो। अब किले भी ऐसे होते हैं, सेम होते किले, क्या है रूम होते हैं कुछ नहीं होता, चलना पड़ता है किले किलोमीटर, इतना लंबा चलना पड़ता है किले के अंदर। सेम किले के बना हुआ ये मंदिर, ये टैक्सी वाला जो है ना बीच में ऐसे लगाया कि उधर से ट्रैफिक को जो है रोक लिया है। ऐसे ऐसे तो गधे भी मिल जाते हैं घाटियों में। अब ये थोड़ा सा अगर पीछे रहता तो अभी ट्रैफिक पूरी खुल जाती। जाना था मैं आमिर का किला, लेकिन वहाँ स्किप कर गया, क्योंकि रास्ते में पता चला कि वो आज नौवीं है, तो इसलिए वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो अब ये पहुँच गए हैं जयगढ़ फोर्ट, और ये जयगढ़ फोर्ट अभी एक्सप्लोर करेंगे, और ये वाला जो ब्लॉक है वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। और इस ब्लॉक को मैं कर रहा हूँ यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पूरी जयपुर सीरीज में आप बने रहें, आपको काफ़ी इन्जॉयमेंट मिलेगा।